हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेरी पहली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे की पहली यात्रा। हाँ शेफ अली, कैसे फिर कैसा लग रहा है? एक्साइटेड है? स्टेटस और मेरे टाइटल वगैरह देख के आप लोग समझ ही गए होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो जस्ट एक एयरपोर्ट का लुक दे रहा हूँ, अभी बैग वगैरह सबमिट करूँगा, बोर्डिंग पास लूँगा, फिर आपको मिलूँगा फ्लाइट में और साथ साथ आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। ये देखो जी, अपना चेक इन हो गया कंप्लीट। बाली का दिल्ली से सिंगापुर की होगी, फिर होगी सिंगापुर से बाली का बोर्डिंग पास, वो अलग मिल गया। और ये हम अब जा रहे हैं लॉन्च के अंदर। तो दोस्तों, सामने एक लॉन्च है, एनक्लेम लॉन्च करके है उसका स्पा भी है। उसमें एक्चुअली बहुत लंबी लाइन थी तो वो तो हमने लिया नहीं। तो नॉर्मल यहाँ पे मैकडोनल्ड्स वगैरह आप देखो तो सब कुछ है, मैकडोनल्ड्स, KFC, मैकडोमिनो सब कुछ। तो वहाँ से हमने खाने के लिए अभी ले लिया क्योंकि फ़्लाइट में है बहुत टाइम। कैसा लग रहा है शिवाली, बता कुछ तो बोल। तो ये अब हम खा रहे हैं, बोर्डिंग वगैरह हमारा रेडी है, 8:50 पे हमारी बोर्डिंग होगी। फिर आपको बाहर के नज़ारे दिखाऊंगा एक बार फ्लाइट में जाते हुए सिंगापुर एयरलाइंस टू बाली। ये देखो एयरपोर्ट के अंदर ही मैं आपको दिखा रहा था ना, ये रहा लॉन्च, एनकॉम लॉन्च इसके अंदर। बट यार अब बाय लक बहुत भीड़ इतनी ज़्यादा है, लाइन इतनी ज़्यादा है, मैंने कहा जब तक फ्लाइट का टाइम हो जाएगा हम जा भी नहीं पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो विदाउट एनी चार्ज, सिर्फ 2 रुपये कार्ड के चार्जेस कटते हैं अगर HDFC बैंक का कार्ड है। क्योंकि मेरे पास HDFC का था तो मैं जाना चाह रहा था पर जा नहीं पाया। बाकी नीचे का अगर आपको व्यू दिखाऊं तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ब्रांड्स हैं, देख रहे हो ना कितने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। ये एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा है। तो अभी शिवाली वॉशरूम गई है, मैं हुआ हूँ, फ्रेश अप हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा फोटोग्राफी करेंगे, फ्लाइट के बोर्डिंग का टाइम का वेट करेंगे जो कि है 8:50, अभी हो रहे हैं 7:50, 1 घंटा है और 9:50 पे है अपनी फ़्लाइट। तो ठीक है दोस्तों, बस एक बार नज़ारे यहाँ पे आपको दिखाने थे, क्या बढ़िया नज़ारे आप देख ही रहे हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। तो मैं आपको मिलूँगा, फ़्लाइट भी एक बार आपको दिखाऊँगा। सिंगापुर एयरलाइंस है मेरी जो कि सुबह 6 बजे पहुँचेगी सिंगापुर, अभी 9:50 की है। और सिंगापुर से मेरी दूसरी है बाली के लिए, ठीक है, जो मैं बाली पहुँच जाऊँगा 9:30 बजे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ, अब ज़रा फोटोग्राफी करूँ और शिफाली के साथ थोड़ा सा यहाँ पे उसको भी दिखाते हैं और करते हैं अपने टाइम का एंजॉय। ये रहा मेरा होटल गाइस, इडन होटल कुटा बाली का। मैंने आपको अंदर से अपने होटल वोटल का स्ट्रक्चर अगर नहीं दिखाया तो वो भी इसी ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग देखना। तो ये है मेरा होटल इडन, अभी अंदर से भी दिखाता हूँ कैसा है देखने में। ये है इडन होटल कुटा का, बहुत सेक्सी होटल है भाई, बाहर से व्यू देख रहे हो कितना सेक्सी है, अभी अंदर से दिखाता हूँ एक बार दोबारा से। ये देखो, एंटर करने के बाद ना यहाँ से ये लॉबी टाइप एरिया बना रखा है जहाँ पे आपको सामने काफ़ी सारे रूम्स दिखेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे छोटा सा एक किड्स का स्विमिंग पूल है, जो बड़ा वाला स्विमिंग पूल मैंने अपने रूम से दिखाया है वो तो अलग चीज़ है, यहाँ पर ये छोटा सा बना रखा है इन्होंने स्विमिंग पूल यहाँ पर। ये रहा, ज़्यादा डीप नहीं है, अगर हम खड़े होंगे तो हमारे नी तक पानी जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। ये रात का इस टाइम का नज़ारा है, कितना प्यारा लग रहा है ना, ये स्विमिंग पूल है यहाँ पर। और ऊपर ये सारे रूम्स हैं, फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट है जिसका हमने खाना सुबह खाया था लंच के आसपास, लंच में बहुत टेस्टी था। बाकी ये यहाँ की एंट्रेंस है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा हमारे रूम पे जाने की एंट्रेंस भी, वो भी बहुत प्यारी एंट्रेंस बनाई हुई है। ये देखो इडन होटल जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ का रेस्टोरेंट का व्यू, शेफाली इज़ वेटिंग फॉर फूड। और ये कुछ बाहर के नज़ारे, अभी तो मौसम एकदम क्लियर है, होटल बहुत ही प्यारा है। अभी अंदर का भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार। अभी मैं आके सबसे पहले तो ऊपर आ गया भाई खाना खाने, ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट है इडन होटल बाली में, मैं बाली में हूँ इस टाइम। ये देखो ये है जी रूम की एंट्रेंस हमारी, ऐसे जाती है जैसे एक पाथ बना हुआ है पूरा का पूरा, यहाँ से हम लेफ्ट होके लिफ्ट लेंगे और वहाँ से हम जाएंगे अपने 3rd फ्लोर पर। हेलो दोस्तों, तो ये रहा मेरा इडन रूम जो कि मैंने बाली में लिया हुआ है। रूम का स्ट्रक्चर देखो कितना प्यारा रूम है, ये बेडेड है, किंग साइज़ बेड, सामने सीनरी, इधर मुझे मिरर भी मिला हुआ है यहाँ पे, ये रहा मिरर, ठीक है। और बहुत मतलब इतना प्यारा रूम बना हुआ है, टीवी है, ये सामने बालकनी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा हो गया, यहाँ पे हो गया फ्रिज, खाने पीने की चीज़ें सारी दे रखी हैं। ये है भाई अपना वॉशरूम, एक लुक देखो वॉशरूम की, क्या प्यारी लुक है यार, देख रहे हो, नहाने का अलग, बहुत अल्टीमेट बना रखा है यार, अल्टीमेट वॉशरूम है एकदम, मतलब मिरर वगैरह के साथ एकदम, ड्रायर वगैरह सब दे रखा है, देख रहे हो, बाथ का अलग, ड्रायर का अलग। ये तो एरिया हो गया भैया रूम का मेरा, फ्रिज वगैरह सब है, बैठने का, डस्टबिन, खाना पीना, फ्रिज एरा यहाँ पे।
इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, टीवी और एसी भी लगा हुआ है क्योंकि गर्मी का टाइम है बाली में, तो एसी भी लगा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर के नज़ारे। ये है दोस्तों बालकनी अपनी जो मैंने भी आपको दिखाई थी। यहाँ से अपन जाएंगे बाहर, तो ये देखो कितने सारे यहाँ पे, कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना रखा है। बहुत सारे हैं रूम्स यहाँ पे, पता नहीं कितने, 2500 हैं, 3000 हैं। और नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पे मेन स्विमिंग पूल, ये रहा, जो कि मैं जाने वाला हूँ शाम को अगर मुझे टाइम मिला तो। अभी तो बस फ्रेश अप होंगे और अपना रेस्ट करेंगे, क्योंकि खाना वाना मैंने इसी होटल में ही खाया है। बहुत अच्छा खाना है भाई, बहुत ही अच्छा खाना, रीजनेबल था। IDR में पूछूँ तो 2.25 लाख रुपये दिए, और इंडियन रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करके मैं देखूँ तो अराउंड 900-1100 बस, 1000 रुपये में एक टाइम का खाना हो गया, जैसे कि अपने दिल्ली NCR में खाते हैं, बस वही चीज़ है। तो ये है भाई मेरे 4 दिन का होटल का टूर। 3 दिसंबर है आज, और मैं चेकआउट होने वाला हूँ 7 तारीख को। 7 तारीख को मेरा दूसरा होटल है सेमिनेक में, वो मैं आपको वहीं बताऊँगा। तो बस ये होटल के रूम का टूर मैंने आपको दे दिया, बता दिया। ऊपर रेस्टोरेंट का भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, या मैंने पहले दिखा दिया होगा ब्लॉग में, वो भी जरूर देख लेना। बाहर से भी एंट्री एक बार दिखा दूंगा किस तरीके की है। तो अब मैं फ्रेश अप होऊंगा, शाम को मार्केट वगैरह जाता हूं तो वो आपको दिखा दूंगा, और कुछ नया कुछ खाता हूं या कुछ लेता हूं तो वो भी आपको सब बता दूंगा, कौन सी मार्केट है, क्या है, कहां आप एक्स्ट्रा जा सकते हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं शाम को। अब तक मैं ज़रा थोड़ा रेस्ट कर लूं और फ्रेश अप हो जाऊं। हेलो दोस्तों, तो फाइनली यार मैं आ गया हूं अपने रूम में, ठीक है, खाना वाना खा के सब कुछ करके रूम में आ गया हूँ, फ्रेश अप वगैरह हो गया हूँ। और बस कुछ चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी रात को सोने से पहले। आई होप मैंने क्लियर चीज़ें सबको बताई हैं, जैसे रूम का दिखा दिया, मैं फ़्लाइट से आया, सिंगापुर एयरलाइंस थी मेरी रात को 9:50 की, सुबह 6 बजे सिंगापुर, और 6:50 को सिंगापुर से सीधा सुबह 9:30 बजे बाली। उसके बाद कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी जो रह गई थी, जैसे कि क्या क्या चीज़ें आपको एंट्री में चाहिए होती हैं। पहली चीज़ तो यार आपको एक बाली में जब एंटर करना है तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है। वीज़ा ऑन अराइवल है वैसे तो 5 लाख IDR, जो कि इंडिया का पड़ता है अराउंड 2500-2600 हो गया आसपास एक बंदे का। ऑनलाइन भी आप फिल कर सकते हो अगर भीड़ वगैरह से बचना है तो, कि मैंने ऑनलाइन फिल करा था तो वहाँ की कुछ, जैसे फ्लाइट एकदम से हाई काफ़ी भीड़ होती है तो उससे आप बच जाते हो। वीज़ा चाहिए आपको, पासपोर्ट चाहिए वो तो आप लाते ही हो फ्लाइट के साथ। दूसरा आपको चाहिए, अगर आपको सिम वगैरह की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आपको नंबर चाहिए तो वो भी आप, एक क्लूक ऐप है जिसका भी मैं डिटेल सारी इसमें अपने ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्लूक ऐप से मैंने सिम बुक कराई हुई है, 8 GB का डाटा लिया था मैंने 30 डेज़ के लिए, जो मिलता है बेसिकली, जैसे मेरे तो 10 डेज़ ही है ना, 10 डेज़ है। तो एक एक्स्ट्रा मोबाइल लेके मैं कैरी करके गया था, उसमें मैंने डाल ली, आराम से सिम में चला रहा हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हॉटस्पॉट चलाओ जो मर्जी चलाओ आराम से चल रहा है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ है, एक आपको कस्टम फॉर्म फिल करना होता है बाली के अंदर आने के लिए, मतलब एक जनरल अपनी इन्फॉर्मेशन है कि आप बाली में टूरिस्ट के लिए आ रहे हो, टूर घूमने के लिए आ रहे हो टूरिज्म पर्पज से। ऑनलाइन कस्टम फॉर्म है, वो भी आप वहाँ पे भर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन भर लो तो ज़्यादा बेटर है। एक QR कोड आएगा, एग्जिट करते हुए, एयरपोर्ट से एग्जिट करते हुए कस्टम वाले बैठे होंगे इमिग्रेशन ऑफिसर्स, उनको सिर्फ वो एक दिखाना होता है, दैट्स इट। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस ब्लॉग में दे दी है, होटल क्या है, कहाँ पे है, कैसा है उसका टूर, फ्लाइट से आया मैं, इस वाले ब्लॉग में मैं यही सारी चीज़ें कवर करने वाला था। तो अब कल मैं आप लोगों से मिलूंगा नई जगह पे, कहाँ जाने वाला हूँ मैं आपको सुबह ब्लॉग स्टार्ट करके बताऊँगा। ठीक है गाइज, बाय बाय, एंजॉय करिए मेरे साथ, मिलते हैं आपको कल, बाय।